स्टूडेंट क्लास मैथ का आज एक्सरसाइज ई पढ़ना है, जिसका पहला क्वेश्चन दिया है, पहला काम की व्यवहार पहला दिया है मल्टीप्लाई, इसमें पूरी मल्टीप्लाई ही दिया है, इसमें प्रत्येक में एक ही बता दे रहा हूँ। तो पहला का ए जो दिया है वो लिखा है कि 1/3 × 5 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे। इसमें देखते हैं क्रॉस बटन वाला तो काट देते हैं, मल्टीप्लाई करने वाला तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 5 5 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी मल्टीप्लाई है, दूसरा का ये बता दे रहा हूं, 3 × 1/2 × 8 के दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको तोड़ेंगे हम इसमें इंप्रोपर फ्रैक्शन में, इसमें तोड़ेंगे इंप्रोपर में, इंप्रोपर देखिए ये न्यूमरेटर से होल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उतना पे न्यूमरेटर उतना न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं, 2 × 3 = 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/2 × 8। अब देखिए यहां क्रॉस करने वाला है, 2 × 2 = 8 एंड 7 × 4 क्या हो जाएगा 28, ठीक है। इसे दूसरा फिर मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, तीसरा का ये तीसरा में दिया है 3/5 × 4/7 क्रॉस की करने वाला ही है, एड नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 = 12 और 5 × 7 = क्या हो गया 35। चार तक क्लियर, 3 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड इसका भी ज्ञात करना है, 4 का ए 3 कॉम्बिनेशन 7/12 × 18/11 क्या है 11 है, ठीक। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको तोड़िए, किसमें इम्प्रॉपर में तोड़िए, 36 में 7 को 8 करके कितना हो जाएगा 43 × 2 = 18 जितना हमारा आएगा क्या 28 वो हमारा होल नंबर हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो नॉमिनेटर हो जाता है, इसे डिवाइड करते वो क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। ये भी यहां पे 22 से कर देते हैं 129 में, तो 5 बार हो जाएगा 110 9 × 1 = 1 ये हमारा होगा होल नंबर 5 कॉम्बिनेशन 19/22, ठीक है। इस प्रकार चौथा क्लियर हो गया, पांचवा भी देखिए, पांचवा भी इसी करना है, छठवां भी इसी करना है, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड दी पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लीजिए रेक्टेंगल फील्ड है, इसका पेरिमीटर ज्ञात करना है, इसका मूल लेंथ दिया है 16 × 1/2 मीटर, ठीक, और जो ब्रेथ दिया है वह दिया है 3/4 मीटर। पहले इसका पेरिमीटर क्या होगा, सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मूला क्या कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 × L + B 2 × L + B 2 L का मान क्या है 16 × 1/2 + B का मान 3/4 2 और ये दो पहले थोड़ी ये एक्सप्रेशन में है तो इनको ऊपर में 2 × 16 = 32 × 2 = 48 × 3 = 1/4 2 इस गैप से हो जाएगा 4 × 2 = 4 × 3 = 66 + 51, ठीक, इसको हम काट सकते हैं चाहे तो 2 × 4 अब इसको जोड़ लीजिए 6 × 1 = 7 6 × 5 = 11
बाई टू, टू फाइव या टेन फिफ्टी हो गया, यानी फिफ्टीन कॉम्बिनेशन इसको 100 डिवाइडेड टू फाइव या टेन और वन जीरो सेवन टू सिक्स या टू एट या सिक्सटीन यानी 58 कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1/2 मीटर इसका डायमीटर। ठीक है, इस प्रकार की एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए और कोई प्रॉब्लम होता है वीडियो में कमेंट कीजिए, उसको फिर कमेंट आपको वीडियो बना करके आपको दिया जाएगा। दूसरी चीज कि इसका होमवर्क बना के ग्रुप में आप लोग जरूर सेव कीजिए। थैंक यू।